दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। दोस्तों ये जो आंदोलन है, अब ये मुझे लगता नहीं है कि ये आंदोलन रह गया है। ये आंदोलन के बजाय ये एक तरह का एक दंगा किया जा रहा है, एक तरह का इसके पीछे एक षड्यंत्र है, जो कि आप जान भी गए होंगे कि उसके पीछे खालिस्तान की मांग है, जो कि कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं और आए दिन न्यूज चैनलों पे ये न्यूज दिखाई जा रही है कि उसमें जो भिंडरा वाले है उसका पोस्टर लगाया गया है। एक जो संस्था सामने आई है सिख फॉर जस्टिस के पंपलेट बांटे जा रहे हैं सारे जहां जहां पर ये आंदोलन में लोग शरीक हो रहे हैं। जो आम आदमी है, जो बेचारा जानता भी नहीं है, लेकिन उसको भी जबरदस्ती बरगलाकर उसको बताया जा रहा है और खुलेआम चुनौती दी जा रही है सरकार को। खुलेआम वर्ड में एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए, हमें भारत के टुकड़े करने हैं। और साफ साफ कहा जा रहा है कि हम जो है मोदी को खत्म कर देंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री को खत्म कर देंगे, और वो भी इस देश में रहकर, देश के अंदर के ये आतंकवादी को आतंकवादी बोलता हूं मैं इनको, किसान का नाम इन्होंने गंदा कर रखा है यार। ये वही किसान है, ये देश के जो 130 करोड़ की जो जनता है उसी ने चुनकर इस सरकार को बिठाया है और उसमें से किसान भी है। तो भाई ऐसे इस तरह की खालिस्तान की डिमांड और इस तरह के षड्यंत्र में किसान, एक आम किसान कैसे शामिल हो सकता है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इसमें वो लोग बैठे हुए हैं जो अपनी, जिनकी कुर्सियां खत्म होने वाली है इस कानून को आने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद जिनकी कुर्सियां जो है खतरे में पड़ गई है, जिनका भ्रष्टाचार का जो सोर्स है वो खत्म होने वाला है, वो लोग यहां पे बैठे हुए हैं और जिनको राजनीति करनी है। मतलब एक बात बताइए आप, छोटे बच्चे को वहां पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को वहां पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी ऐसी महिलाएं जो महिलाओं को पैसा खरीद कर उनको किराए पे लेके आया हुआ है वहां पे, और उनको वो ड्रामिस्ट है एक्चुअली, वो ड्रामा करती हैं वो जो लेडीज हैं, और उनको पैसे देकर वहां पे बुलाया जा रहा है कि आया है मोदी, मर जा मोदी। मतलब ये क्या है यार, और देश के अंदर ये सब हो रहा है, और क्योंकि इस देश में इस तरह के कानून नहीं है तो आप उसका माहौल बना रखा है आपने। आप कुछ भी कह दो कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह, कभी ऐसी बातें होती हैं, कभी होता है कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। अरे मोदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया भाई, मोदी ने तो वो काम कर दिया जो इतिहास में पिछले 70 साल के इतिहास में या सैकड़ों साल के इतिहास में नहीं हो पाया था। CAA क्या है उस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, किसके फायदे के लिए, इस देश के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके फायदे के लिए बनाया गया था। क्या हुआ उसका परिणाम, ऐसे ही लोगों ने दंगे फसाद के शाहीन बाग जगह जगह बनाने की कोशिश की, खासकर इसी दिल्ली के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की दिल्ली में, बल्कि दंगे भड़काए गए। दोस्तों आपको ये अच्छी तरह पता है कि दिल्ली में एक तथाकथित जो दिल्ली सरकार है उसने जो है उसके नुमाइंदों ने, उसके मिनिस्टर्स ने ये दंगे करवाए और उसमें 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई, निर्मम जो बेचारे मासूम थे उनकी हत्याएं की गई, और इसमें बड़े बड़े ताहिर हुसैन जैसे लोग शामिल थे जो कि राजनेता थे। आज भले ही उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, लेकिन कई करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया उस दंगे को करवाने के लिए बाहर से फंडिंग, PFI से फंडिंग हुई, न जाने कितने अलग अलग सोर्सेस से वर्ड के इसमें फंडिंग की जा रही थी। सेम वही सिलसिला इस किसान आंदोलन की आड़ में किया जा रहा है। इस किसान आंदोलन की आड़ में किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं नजर आ रहा है कहीं भी। अगर आप भी स्टडी कर रहे हैं, हम भी स्टडी कर रहे हैं, हमारे आंख कान खुले हुए हैं, हमें ये सब दिखता है आम पब्लिक को कि कौन सही है कौन गलत है, क्या इसकी आड़ में हो रहा है। यार कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं, भारत के जो लोग वहां बसे हुए हैं, खासकर जो पंजाब से जो लोग गए हुए हैं वहां पे, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो खालिस्तान के सपोर्ट करने की बात करें। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने तक ये बात की है कि इंडिया में जो किसान है उसके साथ में ठीक नहीं हो रहा है। मतलब उसने तक ये बात की, वो इन्वॉल्वमेंट करता, वो कौन होता है हमारे देश के अंदर, हमारे हमारे फैमिली के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, देश के अंदर क्या चल रहा है उसके डिसीजन हम लेंगे, आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले। और वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, भिंडरा वाले के पोस्टर लगे हुए हैं, जस्टिस क्या एक संगठन निकल कर आया है सिख फॉर जस्टिस, यार उसके पंपलेट बांटे जा रहे हैं वहां पर, सिख
फॉर जस्टिस ने यह तक कहा है, वो बिल्कुल वायरल हुआ है वो जो पंपलेट है, वो जो उनकी बातें, इवन जी न्यूज चैनल के पास सुधीर चौधरी साहब बता रहे थे कि उनके पास डाटा है पड़ा हुआ, उनके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है प्रॉपर, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो इंडिया गेट पे जो झंडा फहराएगा, जो खालिस्तान का झंडा फहराएगा, उसको 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब हमने अपने देश में ही देशद्रोही पाल रखे हैं, हमने अपने देश के अंदर आतंकवादी पाल रहे हैं हम लोग। आखिर भारत के संविधान में कब ऐसे कानून बनेंगे, कब सरकार ऐसे कानून बनाएगी कि ऐसे देशद्रोहियों को एक बार बोलने पर ही, जब भी वो इस तरह से देश के विरोध में एक बात भी कहें, एक भी वक्तव्य दें, तो उसी वक्त उन्हें या तो मौत की सजा दे दी जाए या उन्हें आजीवन कारावास दे दी जाए। मतलब हमारे देश का जो फ्लेक्सिबल कानून है उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी जो है पिछले 50 दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने, इवन सरकार ने उनसे कई राउंड की वार्ता कर ली, कई डिस्कशन हो चुके हैं, कई वार्तालाप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। अरे ऐसे सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, कलेजा छीन लिया क्या किसी का, कि मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया यार। इतने लोगों की नौकरियां चली गई लॉकडाउन में, इतने लोगों की कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में नौकरियां चली गई, जान चली गई, लोग दर दर भटक रहे हैं, खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, और यहां इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और खुलेआम मतलब भारतीय संविधान की तो मजाक बना के रख दिया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी, और उसके बाद भी कि भाई ये कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक कि दोनों पक्ष सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म करने की धमकियां दी जा रही कि नहीं खत्म करेंगे। अरे अब क्या चाहिए, जब कोर्ट ने कह दिया है कि भाई ठीक है इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो अब आप कैसे ये आंदोलन को पीछे नहीं ले रहे भी? तो इसका मतलब आप तो किसान हो ही नहीं, किसान की आड़ में आप बहरूपी हो, आतंकवादी हो, आप वही लोग हो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में सामने आता है कई बार, आप वही लोग हो जो साइन बाग में के रूप में CA जैसे कानून का विरोध करता है, आप वही लोग हो जो भगवान राम के मंदिर की जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी और उसका विरोध करते हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप वही लोग हो। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और ये चुनी हुई सरकार है, ये आम भारत की 130 करोड़ की जनता ने चुन के भेजी, अगर 130 ने नहीं भेजी है तो कम से कम 80 करोड़ के जो लोग हैं भारतीय लोग हैं उन्होंने चुन के भेजी है। ये माउंटबेटन की सरकार नहीं है कि जो बस कानून बना दिया और उसके बाद भूल गए पब्लिक भुगते, ऐसा नहीं है। यहां पे आम आदमी के भी सुझाव मांगे जाते हैं। ये जो 10% मुट्ठीभर जो लोग हैं, अखंड भारत का जो सपना है उसको हम हर वक्त उसको तोड़ना चाहते हैं, हम अच्छी तरह समझते हैं आपकी इन भावनाओं को, लेकिन ये चलेगा नहीं। सिख फॉर जस्टिस ये क्या है, ये कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसको कि भारत से समर्थन मिल रहा है, अदर जो कंट्रीज हैं कनाडा से समर्थन, भारत के ऑलरेडी कई टुकड़े हो चुके हैं पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, अब आप एक और खालिस्तान चाहते हो, यानी कि भारत के एक और टुकड़ा करना चाहते हो। मतलब इतना सहनशील है भारतीय, इतना सही सुना, मतलब आपने क्या समझ रखा है कि यार मतलब जब चाहो मर्जी, जो चाहो मर्जी वो कर लो, जब चाहो साला भारतीयों को खत्म कर दो, जब चाहो भारतीयों को डंक मारते रहो। ये डंक मारने की जो आपकी प्रथा है ना, ये नहीं चलने वाली, इसका पुरजोर विरोध होगा। और आपने मतलब आपने मजाक बना के रख दिया आंदोलन का, आपने छोटे छोटे बच्चों को वहां पे लेके आ रहे हैं उनको, मतलब आप क्या नेता बनाना चाहते हैं, ये नेता बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है क्या आपने, महिलाओं को वहां पे खड़ा कर दिया है, क्या हो रहा है ये सब, कि ताकि आप लोग मतलब अपने अपने राजनीति की रोटियां सेक सकें, आप में आपको एक फोरम मिल गया, एक स्टेज मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया नेता बनने का, बच्चे से लेके महिलाओं से लेके और हर तरह के आपको नेता बनाना चाहते हैं आप, आने वाले चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। किराए पे लेके आए हैं आप इन लोगों को, सब जानते हैं। अरे आपने तक तो यहां तक मतलब इतना हद तक आप गिर गए कि आप पता नहीं कहां कहां से मरे हुए लोगों को लेकर वहां पे खड़ा कर दिया, और आपने कहा कि ये लोग ये किसान है और ये मर गए यहां पर।
ठंड से, आंदोलन करते करते मर गए। मतलब हद होती है यार, हम बेवकूफ हैं क्या? पब्लिक बेवकूफ है क्या? दिखता नहीं है पब्लिक को? देखो वो पहले का भारत था, वो पुराना भारत था, अब ये नया भारत है। ये सब कुछ जानता है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, सब कुछ दिखता है कहां पे कौन सी घटना होती है। आम आदमी बना के लगा देता है सोशल मीडिया पे कि यहां पे ये हो रहा है, इसलिए कोई चीजें हिडन नहीं है आज की डेट में, सब चीजें पब्लिक के सामने है, पब्लिक सब जानती है। अब महिलाओं को, मतलब जो ड्रामा करने वाली महिलाएं हैं, जो जिनका ये धंधा है, उनको आप किराए पे लेकर वहां पे मोदी हाय है, मोदी मरेगा तू, ये इस तरह के नारे लगा रहे हैं आप। आपको पता है मोदी मोदी क्या चीज है? जानते हैं आप मोदी के किस चीज के बराबर हैं आप? मतलब क्या क्या है आप में ऐसा कि आप मोदी को कुछ भी बोल देते हैं? मतलब भारत के संविधान में आपको इतनी छूट दे रखी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप किसी को भी कुछ भी बोल दो जनाब। वो भी आपको छूट अभी कुछ दिन के लिए है, अगले आने वाले चुनाव में मोदी साहब को और भी जो है मैंडेट मिलने वाला है, और भी बड़ा मैंडेट मिलने वाला है। जो 543 सीटें होती है ना संसद के अंदर, वो 543 की 543 मोदी साहब की अकेली होंगी। फिर आप क्या करोगे? अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने वाला है, अभी तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने वाला है, क्या करोगे आप? इस तरह के आप सीए भी आया था, आप बैठे थे साइन बाग जैसे, आपने बहुत बाग बनाए, आपने इतने दंगे करवाए, कई लोगों को अपनी शहादतें देनी पड़ी आपकी वजह से, दी आपने। लेकिन ऐसा संविधान आपको आगे हमेशा रहेगा, ये भूल जाइए आप। संविधान में भी बदलाव होंगे, बड़े बड़े कानून बनेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि देशद्रोह, देश भारत माता के टुकड़े बोलने के लिए कौन सी सजा होती है। ये सिख फॉर जस्टिस जो आपने लगा रखा है, ये जो संगठन भर के लेके आ रहे हो ना आप, आज ये फ्रीडम से आप बोल रहे हो कि मोदी तुझे हम खत्म कर देंगे, और जो इसको खत्म करेगा मोदी को, उसको हम 2,50,000 रुपए का इनाम देंगे। ये जो स्वतंत्रता, ये जो फ्रीडम है आपको ना, ये बस कुछ ही दिन तक है, निकाल लो आप अपनी भड़ास। उसके बाद वो दिन आने वाले कि पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के लेके आएंगे हम। आम आदमी भी उसमें, हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है उनके साथ में होगा, मोदी के साथ में होगा। अब हम अपने हिंदुस्तान का, अपने भारतवर्ष का, भारतवर्ष बनाना चाहते हैं इसे, इंडिया नहीं, हम इसे भारतवर्ष बनाना चाहते हैं, और भारतवर्ष बनाने में हमारी यह सरकार लगी हुई है, पर आगे भी लगी रहेगी, और ये पूरे जो 100 करोड़ देशवासी है, उनका जो मैंडेट है वो मोदी साहब को और मोदी जैसे जो और भी लोग आने वाले हैं उनको मिलता रहेगा। इसलिए आप ये भूल जाइए जो भी ये संगठन उनके साथ में लगे हुए हैं। अरे आपने तो यार मतलब हद कर दी। अभी भी वक्त है आपके पास, सुधर जाइए आप, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। आप लोगों को घुसने के लिए, चूहे को तो बिल मिल जाता है, आपको वो बिल भी नसीब नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि आने वाला जो वक्त है वो इस राष्ट्रवादी सरकार का जो एक विजन है उसमें जो मुझे लगता है वो और भी खतरनाक आने वाला है आपके लिए। आप कहां बचोगे? नहीं बच पाओगे आप। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने हथियार डाल दीजिए, और ये जो आतंकवादी की जो आप भाषाएं बोल रहे हैं, इससे वक्त से पहले अगर आप समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, फिर ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। देश का आम आदमी जाग गया ना उस दिन, ये जो आप मुट्ठी भर लोग हो दिखाई नहीं देगा कहीं। सिट फॉर जस्टिस जो ये सस्ता है, इन्होंने यहां तक बोल दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इनके लिए कि वो अपनी बातों से बाज आ जाए, नहीं तो हम इसका परिणाम बहुत बुरा होगा कि इस आंदोलन से दूर रहें। सुप्रीम सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको सीधे सीधे ललकारा है कि आप इस आंदोलन में कोई भी डिसीजन लेने से बचें और इसमें इन्वॉल्व ना होए, नहीं तो हम आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये पेपर सारे न्यूज चैनल में वायरल हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। मतलब व्हाट इज दिस, क्या है ये सब? जिस दिन मोदी जी का दिमाग खराब हो गया ना, उस दिन सारा भूत उतर जाएगा
खालिस्तान का, अलग कंट्री बनाने का। इसलिए अभी भी सुधर जाओ, वक्त है सुधर जाओ। जिस दिन भारत का हर नागरिक जाग गया ना, जागा हुआ है, जागे हुए लोगों ने ही मोदी साहब को वोट देकर यहां तक पहुंचाया है। भारत की आम जनता को पता है कि आखिर आप लोग ये जो आंदोलन की आड़ में करना जा रहे हो और ये क्यों कर रहे हो, इस आंदोलन की जो सीमा है जो वो इसको बढ़ा क्यों रहे हो, आप इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हो। पता है कि 26 जनवरी सामने आने वाली है और 26 जनवरी को आप एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो पूरे वर्ल्ड को कि खालिस्तान एक कंट्री बननी चाहिए और आपकी आपका जो एक मकसद है, जो षड्यंत्र है, जो आतंकवादी मैसेज है, आपको पूरे दुनिया को आप देना चाहते हो कि ताकि पूरी दुनिया की सरकारों का ध्यान इसके ऊपर जाए कि भारत में अलग कंट्री की मांग हो रही है। ये षड्यंत्र है आपका, सब जानते हैं ये पब्लिक, लेकिन ये अखंड भारत है। ये पहले पहले की सरकारें में हुआ करता था कि भारत में कोई टुकड़ा अलग होना चाहता है तो उसको अलग कर दो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अशोक के अखंड भारत की जो कल्पना थी, जो चाणक्य के अखंड भारत की जो कल्पना थी, चंद्रगुप्त के जो अखंड भारत की कल्पना थी, वही अखंड भारत की कल्पना हमारे मोदी साहब की है और इस सरकार की मंशा है, वर्तमान सरकार की मंशा है। तो ये तो आप भूल जाइए कि इसके टुकड़े होंगे। हम किसी भी भारत का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अब भारत के टुकड़े नहीं होने देगा, ये भारतवर्ष बनेगा। हम इंडिया से इसको भारतवर्ष बनाएंगे, ये आप अच्छे से सुन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।